मैं आज बना रही हूँ बटर स्कॉच आइसक्रीम। इसको बनाने के लिए मैंने चीनी को मेल्ट होने के लिए रख दिया है और प्लेट में बटर लगा लिया है। चीनी को बढ़िया से कैरमलाइज करना है और कैरमलाइज करने के बाद इसके अंदर देखिए हमारा पिघलना स्टार्ट हो गया चीनी। तो इसके बाद मैं इसमें बटर ऐड करूँगी। इसको हम बटर स्कॉच इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बटर भी पड़ा रहता है। इसमें हम मूंगफली ऐड कर देंगे या फिर काजू ऐड कर देंगे, जो भी आपके पास है। प्लेट में निकाल लीजिए। अब मैंने बर्फ़ लिया है प्लेट में और ये ऊपर मैंने ये जो बर्तन लिया है इसको 2 घंटे पहले ही फ्रिज में रख दिया था। और आइस ये जो मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है ये 1 कप है। ये आपको इजीली बेकरी शॉप में मिल जाएगा, मैंने भी वहीं से लिया है। तो इसको अच्छे से क्रीम को व्हिप कीजिए और व्हिप करते करते इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसके अंदर मैं कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ, तो मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क डाला है। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपने मीठे के हिसाब से। और ये क्रीम पहले से मीठी है। अब मैंने जो कैरमल का बनाया था इसको अच्छे से तोड़ के और एक जिप बैग में डाल के तोड़ लेंगे। बढ़िया से बारीक करना रहता है बेसिकली इसको, और इसको कटोरी में निकाल लीजिए। अब क्रीम को मैं एयर टाइट बॉक्स में डालूंगी और उसके ऊपर जो मैंने बटर का चीनी का बनाया था वो डालते जाएंगे इसके ऊपर और अच्छे से हम सजा लेंगे। और एयर टाइट बॉक्स में रखिए ताकि आपकी जो आइस है जो आइसक्रीम जमा रहे हैं उसमें दिक्कत ना हो। जो क्रीम मैंने दिखाया था वही क्रीम का बनाया मैंने, और आप देख सकते हैं हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छी बनी है। आप देख रहे होंगे ये कितनी इजीली निकल रही है। आप ऊपर से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप स्पून से भी निकाल लीजिए या किसी भी तरह से निकालिए। आइसक्रीम अच्छी है, बहुत टेस्टी है। अगर आपको मेरी आइसक्रीम पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए मेरे चैनल को।